खबर जालौन से, पत्रकारों का उत्पीड़न नहीं किया जाएगा बर्दाश्त, सुधीर पाठक वरिष्ठ पत्रकार। आज सभी पत्रकारों ने एकजुट होकर पीड़ित पत्रकार कमलकांत द्विवेदी, ब्यूरो चीफ दैनिक स्वदेश, उरई जालौन के परिजनों को दबंगों द्वारा मारपीट करने व जान से मारने की धमकी के संबंध में पुलिस अधीक्षक जालौन को ज्ञापन दिया, जिसमें पुलिस अधीक्षक जालौन ने मामला संज्ञान में लेकर कोतवाली उरई को पीड़ित पत्रकार कमलकांत दुबे के साथ हुई घटना में FIR के तत्काल आदेश दिए। और पुलिस अधीक्षक जालौन डॉक्टर सतीश कुमार ने अपने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि पत्रकारों के साथ अभद्रता व गाली गलौज करने वाले लोगों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा, निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के वल्लभ नगर चौकी क्षेत्र में पीली कोठी के पास पत्रकार कमलकांत दुबे व उनके परिजन एक साथ रहते हैं। उन्हीं के मोहल्ले में दबंग सुरेंद्र चौरसिया व गोविंद यादव द्वारा पीड़ित पत्रकार के साथ गाली गलौज व जान से मारने की धमकी एवं परिजनों के साथ गाली गलौज व मारपीट की गई, जिसकी तहरीर उरई कोतवाली में दी गई है। पुलिस अधीक्षक जालौन ने तुरंत FIR दर्ज करने के आदेश कोतवाली उरई को दिया है। पत्रकार के साथ हुई इस घटना के बाद पत्रकारों के संगठन ने एकजुट होकर पुलिस अधीक्षक जालौन को ज्ञापन दिया और दबंगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इस दौरान वरिष्ठ पत्रकार सुधीर पाठक, सुरेश खरकिया, गोविंद दाऊ, अमित गौर, शत्रुघ्न सिंह यादव, कुलदीप मिश्रा, विकास गुप्ता, सुनील कुशवाहा, नसीम, वरुण द्विवेदी, अमित, आकाश बादल, पवन कुमार, ज्ञानेन्द्र दरबार, कैलाश, रविकांत द्विवेदी, रविंद्र कुमार उर्फ पुल्ली, नीरज राजपत, पुष्पेंद्र गोस्वामी आदि पत्रकार साथी रविकांत गौतम भी मौजूद रहे। अच्छा, यहाँ ज्ञापन दिया है SP को, क्या मामला है पूरा? हमारे जो पड़ोसी हैं सुरेंद्र चौरसिया एवं गोविंद यादव, इनके खिलाफ हमने कुछ समय पहले समाचार प्रकाशित किया था, उसी की रंजिश को लेते हुए इन्होंने हमारे और हमारे परिवार के ऊपर हमला किया, जिसके लिए हम पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इसीलिए हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपा है। सभी पत्रकार कप्तान साहब ने पूरा आश्वासन दिया है कि न्याय मिलेगा और अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर न्याय नहीं मिलता है तो पत्रकार संघ क्या करेगा? ये हमारे जो सीनियर हैं सुरेश खरकिया साहब, सुधीर पाठक साहब जैसा और अन्य सब है पत्रकार साथी, जो निर्णय लेंगे उसी के अनुसार आगे की रणनीति तय की जाएगी। जालौन से UP24 न्यूज के लिए राजकुमार दोहरे की रिपोर्ट।